ये हमारी बिल्कुल सुनी हो गई है इस टाइम सोसाइटी, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ नज़र आ रही है, या कभी कभी पीछे से एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दे जाता है। कभी यहाँ बच्चे खेलते थे, बड़े बूढ़े पार्क में घूमते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों के अंदर कैद हो रखे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का 20th डे हो गया और यही मासूम और बेजुबान जो हैं हमारे साथी हैं, ये तोते हमारे बहुत प्यारे तोते, यही लगाए रखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो तेरा और ये मेरी मछलियाँ, लॉकडाउन में इनको भी बेचारों को वही खाना मिल रहा है जो हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। अब कुछ लॉकडाउन खुले हैं तो इनके लिए भी कुछ लाएं, कुछ बढ़िया सी आइटम। ये भी बेचारी वही खा खा के बोर हो गई हैं और लॉकडाउन में इन्हीं की देखभाल करके सहारा है कि लॉकडाउन किसी तरह निकल जाए। आज 20th डे हो गया, 20वां दिन। और ये है मेरा गप्पी पॉन्ड, छोटा सा गप्पी पॉन्ड है, कुछ गप्पी हैं इसमें, देखो आपको नज़र आ रही होगी। बस बाहर तो जा नहीं सकते तो किसी तरह इन्हीं के साथ समय गुजार रहे हैं, यही नेचर रह गई है, बाकी बालकनी में खड़े हो जाओ। तो ये गप्पी हमारी, ये छोटा सा वैसा भी, इन जूतों की भी हालत ऐसी हो गई है लॉकडाउन में कि हम आपको क्या बताएं। इस शू रैक को खोलो ही शायद 2 महीने हो गए, चप्पल में ही काम चल रहा है, और शू रैक खोलो तो बेचारे शूज़ भी खुश हो जाते हैं देख के कि हाँ बाबूजी आए हैं, अभी हैं बाबूजी, ये गए नहीं हैं। तो लॉकडाउन जो चल रहा है, और आज दिल्ली में तो फिर बढ़ गया है, और लॉकडाउन में थोड़ी सी बागवानी भी हार आजमाए, जैसे भी बागवानी बना सकता था, ये मेरा बाग है। अब चचहरी के बाग तो बना नहीं सकते हम दिल्ली के अंदर, तो जैसे अभी रूखे सूखे बेचारे बाग बने हुए हैं, इनसे टाइम पास हो रहा है, कभी जमाना रहा। तो ये है मेरा, कौन सा पौधा कहते हैं ऐसे, वो क्रिसमस ट्री जो होता है, ये बेचारा गर्मी में सूख गया, दिल्ली में गर्मी भी तो बहुत है, हालांकि एसी चलाते हैं इसके लिए, लेकिन ये भी बेचारा सूख कर जा रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा लॉकडाउन। और इसके साथ ही ये 20वां दिन लॉकडाउन का ख़त्म हुआ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ता और गया, ऐसे चूहेदानी में बंद रहेंगे और ऐसे डूबते हुए सूरज को देखते रहेंगे, बेचारा उदासी के माहौल में, ये भी बड़ा ही मुश्किल वक्त है। भगवान से दुआ करूँगा आप लोग सब स्वस्थ रहें और सेफ रहें, घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोते रहें, मास्क पहन के रखें, शब्बा खैर, भगवान सबकी भला करें।